अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए मस्त मोहले रे। ये पापा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वाह बेटा वाह, आज गलती से तेरा कच्चा क्या पहन कर आ गया, तो तूने मीटिंग रख दी। वाह 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 यार, अब वो आप ही रखिए। सुनो ना पापा, अरे पापा ये देखो आपके लिए पॉट्टी। सरस्वती देख, तेरा बेटा मेरे लिए पॉट्टी लाया है। आज अगर तू जिंदा होती तो ये बदबू सुनकर फिर मर जाती। अरे बदबू को छोड़ो यार, पॉट्टी नहीं, पॉट टी। पी? अरे ये पीजिए और इसको पी के ना एकदम कूल हो जाइए। वो यो वाला पापा पहले बोलेगा। पापा वो यो से याद आया कि आप रमा आंटी से दोस्ती कर लो ना प्लीज। ये सब इसकी वजह से हुआ। ऐसी मनुष्य औरत का नाम इसने लिया, वो औरत जिसका नाम सुनते ही मेरी झुरियों को भी झुरियां आ जाती है। दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, समझा? और अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना बेटा, आजकल माहौल खराब है। जमा जम कैफे, अशोक इंदौरी स्पीकिंग, बोलिए। जी जी जी, एक पेडिक्योर, एक अंडर आर्म, एक अपत, ये सब क्या है भाई? हैं? पार्लर में से बुला लूं? मैं क्यों बुलाऊं, मैंने ठेका लिया है क्या पार्लर में से बुलाने का? फोन रख। अरे यार इतनी कितनी जिद करते हैं दोनों। हाय सिद्धि सिद्धि सिद्धि, ये देखना इधर ही से इधर से। हाँ ये सिद्धि सिद्धि, ये देखना सेल्फी। हाय हाय मनोज, बाय मनोज। अरे ठीक से हाय तो कर लो पहले ही, बाय। क्या हुआ, बोलो बोलो। वो मनोज, हमारी मम्मी ने ना तुमसे और तुम्हारे पापा अशोक अंकल से बात करने से मना किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मम्मी ना हम दोनों पे नजर रख रही है। हाँ कहाँ से नजर? ऐसा लग रहा है कि जूड़े के अंदर मम्मी ने कैमरा फिट किया हुआ है। मम्मी मम्मी ये आ रही है हमारे पास, हमारी गलती नहीं मम्मी, सॉरी मम्मी। बाय मनोज, बाय। भैया जाने दो इन हम सकलों को, भगवान ने खुद इनको वैरायटी नहीं दी, इनको इज्जत मत दो आप। चलो चलो। अरे हट यार, ये रमा आंटी और पापा यार उनकी लड़ाई ठीक है, हम दोनों को बच्चों के बीच में क्यों आ रही है, हमें खामखा पीस रही है। यार ऐसे नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है छुट्टन, ये दोनों बिजनेसमैन है ना, पैसे की भाषा समझते हैं, इनको पैसे की भाषा से ही समझाते हैं। अच्छा अरे भैया, सुनने में आया कि ये कैफे और पार्लर वालों के बीच में फिर से कहा सुनी हो गई है। कहा सुनी? मेटर हुआ है भैया, मेटर। मेटर? अरे क्या बताओ भैया, ऐसी ऐसी गालियां चली है, ऐसी ऐसी गालियां कि इंटरनेट पे अभी तक उन गालियों का मतलब भी नहीं मिल रहा। अरे गाली तो वो छोटी सी बात है भैया, अंदर महाभारत चल लिया था, इधर से उस्तुरा उधर से सब्जियां फेंकी जा रही थी, बीच में कट के सैलेड बन के प्लेट में आ गया। क्या बात कर रही हो भैया? ए गल्ले पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हारी टोपी कसम। अरे जरा हाथ तो देना, आराम से उतरिए मेरे साहब। आइए 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 अम्मा, हटो यार। अंकल अंकल थैंक यू मेरे एक ही कॉल पे आने के लिए, थैंक यू। मनोज जैसे ही तुम्हारा कॉल आया मैंने ड्राइवर को तुरंत कहा कि गाड़ी निकालो और खुद रिक्शे में चलाया, देखा कैसे ड्राइवर को मैंने कंफ्यूज कर दिया। अरे वो सब बातें छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। तुम फोन पे कुछ रमा जी के बारे में कह रहे थे, सब ठीक है ना? पापा और रमा आंटी के बीच में बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ, जैसे गरम गरम कढ़ाई में कोई पानी फेंक देता है ना, खोलते हुए तेल में।
ऐसे बहुत मार रहे एक दूसरे को, बहुत झगड़ा कर रहे हैं यार। मैं आपको क्या बताऊं, पता है इस चक्कर में मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, कह रही है ऐसे गंदे माहौल में अपने बच्चे पैदा नहीं करूंगी मैं। क्या झगड़ा? रमा जी तो ठीक है ना? अरे अंकल पापा के बारे में भी पूछ लो एक आधी बार। अरे मैंने तो उसके टोटका भी किया, झगड़े का भूत उतारने के लिए उन दोनों को झाड़ू से ही बहुत पीटा। क्या वो दोनों शांत हो गए? वो तो शांत हो गए, लेकिन उसके उन दोनों ने जो मुझे झाड़ू से पीटा ना। अरे इतना झगड़ते, एक बार तो रमा मैडम मेरे लालू को लेके अशोक को मारने दौड़ी। वो तो अशोक जी धुलतुल है तो लालू बाउंस बैक होके मेरे पास आ गया, वरना मेरे लालू का क्या होता। ये क्या कर रही है? अरे इसी तरह बेक रही थी रमा मैडम, पहली पहली बार माँ वाली बिलिंग के साथ। अंकल छोड़िए ये सब बातों को, चलिए पापा के पास। आप उनके पास नहीं जाएंगे ना, वो नाराज हो जाएंगे। जाइए ना पापा के पास। ठीक है बेटा, मैं जरा अशोक के यहाँ हो जाता। हाँ, नाराज हो जाएंगे वरना। सब देख रहे, क्या सोचेंगे तेरे बारे में? गलत सोचेंगे, बदनामी हो जाएगी। आगे बोल, आगे बोल। कुछ बात करनी थी पापा आपसे, धंधे का टाइम जल्दी बोल पापा। ये आपका बोल जरूरी बात। वाह बिल दे रहे हो। अरे बिल को छोड़ो पापा, हम मेरी बात सुनो। बिल क्यों छोड़ो, बोल। मैं कह रहा था कि पापा नहीं कर रहा। ये रात को क्या हो गया? अरे हाथ गर्म हो गए एकदम, हाथ कांप रहे तेरे। आखिरी बार मैंने ये कंडीशन किसकी देखी थी? किसकी? तेरी माँ की। हाँ? जब तू उसके पेट में था। तू भी प्रेग्नेंट है? अच्छा बोल क्या बात है, बोल क्या बात है, इधर आ बता, जल्दी बता। मना कर देते पापा, मेरी बात सुनो। आप प्रॉमिस करो जब मैं आपको बात बताऊंगा तब आप बिल्कुल ऐसे ही हंसोगे। क्या बोला कालू भाई? आने वाला इधर कालू भाई, इधर भाई का राज चलेगा। भाई का क्या बोला? भाई का क्या बेटा? अरे इसकी माँ किधर है? अरे कोई बच्चा भूल गया इधर। क्या हुआ, कौन है तू? ए बुड्ढा, बुड्ढा। अबे कॉफी के कप को स्विमिंग पूल समझने वाले, तू ये हटा की स्कोरिया है। ए बुड्ढे, धूल मिट्टी मच्छर दुर्गंध को हटा रहा हूँ। इधर मेरा कालू भाई आने वाला है और तुझे भी हटाएगा। अबे अबे ओ कुदरत के अदरक। अच्छा अच्छा ये भाई। कौन भाई? कालू भाई। कालू भाई? हाँ। कौन? कालू भाई। कौन? कालू भाई। अबे अपन इस इलाके के डोन है, नाम है कालू, जिधर भी खाली जगह दिखे चाकू डालो। क्या डालो? चाकू। अबे ये बुढ़ाओ, ऊपर वाले से दो दिन छोटे आदमी, तेरा ये पुट्टा है ना, मेरे से 10,30,000 रुपट्टी लिया है। 30 रुपए लोन कौन लेता है? ये तेरा ये पुट्टा आया था पैसे लेने के लिए, जाते वक्त ऑटो रिक्शा के पैसे भी ले गया 30 रुपए। ये क्या कर रहा है बेटा, तूने क्या कर दिया? पैसे हमने हमारे लिए लिए थे। हाँ। वो जो स्कीम फेल हो गई थी ना। हाँ। कैफे वाली। हाँ। उसकी भरपाई करने के लिए पापा। अब तुम दोनों बाप बेटों को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। हाँ। 2 दिन की मोहलत देता हूँ, मेरे पैसे वापस दे दो, तब तक ये कैफे मेरा होगा। हाँ? किसका होगा? मेरा होगा, मेरा होगा। तेरा कैसे होगा? मेरा होगा। अरे ये कैफे मेरा है। भूल गया, तूने इस पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पे साइन किए थे? कैसे कैसे किए थे? ये कैफे मेरा है तो दस्तखत इसके कैसे किए? पूछ ले। कैसे किए? पापा वो आप जब सो रहे थे तो मैंने आपका अंगूठा लगा लिया था पेपर पर। बेटा जब मैं सो रहा रहता हूँ तभी तू ये सब कांड क्यों करता है? देखिए फव्वारा चौक
दंगल प्ले ऐप पर।